पावर हाउस के सामने संदिग्ध हालत में युवक का शव पेड़ के नीचे मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शव के पास कीटनाशक दवा और नशीले पदार्थ भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि मृतक दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और दो दिनों से लापता था। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए राजनगर स्वास्थ्य केंद्र भेजकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मृत युवक राहुल प्रजापति महेवा ग्राम का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना तहसील क्षेत्र की है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ये राजनगर कैसे आया। कहाँ के मामा जी? मामा महेवा। क्या नाम है इनके पिता का? श्री प्रकाश प्रजापति। और इनका नाम क्या है? राहुल प्रजापति। ये कब से घर से गायब है? परसों शाम से। क्या करते थे ये? ये दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब। ये राजनगर आए थे क्या? नहीं, ये पता नहीं, गायब था दो दिन से। अच्छा, आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर है? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। ये राकेश प्रजापति लगभग 22 इयर्स है। ये महिवा के रहने वाले थे और अभी रिश्तेदारी में राजनगर आए हुए थे। आज संभवतः इन्होंने आज कोई कीटनाशक पी के सुसाइड किया है। इसमें हम आगे जाँच कर रहे हैं, जैसे भी साक्ष्य आएंगे उसमें उस अनुसार कार्रवाई की। इसमें कोई हत्या का परिजन तो पर है, कोई हत्या की गई है, इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। इसीलिए तो प्रिलिमिनरी स्टेज में हमने अभी मर कायम कर लिया है और इसमें जो भी साइंटिफिक एविडेंस आएंगे, मेडिकल एविडेंस आएंगे और परिवार के जो स्टेटमेंट होंगे और उस अनुसार जो तथ्यात्मक जाँच होगी उसके कारण।